हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके की जो बैटरीज होती है, जो कि रिचार्जेबल बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती है, उन्हें आप किस तरीके से घर पे चार्ज कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोज़ बने हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको सबसे सिंपल और ईजी वे बताऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कि ये सच में काम करता है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने ना इस तरीके का एक मॉड्यूल ये बना लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मैंने अलग से केसिंग बनाई है। आप चाहे तो ये केसिंग बना सकते हो या फिर डायरेक्टली आप अपने जो बैटरी है उसे सोल्डर कर सकते हो, पर यहाँ पर ये कन्वीनियंट होता है इसलिए मैंने इसे बनाया है। ये जो पीवीसी पाइप का शीट होता है ना, उसकी हेल्प से मैंने ये केसिंग बनाई है बैटरी के हिसाब से। लेट मी जस्ट शो यू, ये देखिए, ये उसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो कि मैंने एक मॉड्यूल डाला हुआ है। तो ये जो मॉड्यूल है ये मैंने मेरे पुरानी बैटरी से निकाला हुआ है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ना एक मॉड्यूल होता है जो कि बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल होता है, तो उसको मैंने निकाल के यहाँ पे लगाया। तो ये वो बैटरी है जिसका मैंने निकाला हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको ये मॉड्यूल निकालना है और मैं आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें बताता हूँ कि इन्हें किस तरीके से कनेक्ट करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है और आपको क्या एक्चुअल में यूज़ करना है इसे चार्ज करने के लिए। तो मैं आपको ना डायग्राम के थ्रू इसे बताता हूँ। अब ये जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल के अंदर ना दो हिस्से होते हैं, ये ऊपर का एक हिस्सा होता है और एक नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको तीन पॉइंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच का ये टर्मिनल होता है जो हमारे फ़ोन के लिए यूज़ होता है। अब नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स मिलते हैं, एक माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं नीचे वाले, ये हमारे बैटरी के लिए होते हैं, बैटरी का नेगेटिव और ये बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो 5 वोल्ट डीसी से पावर आता है, ठीक है, यहाँ से दो पावर आएगा, एक पॉजिटिव वाला आएगा और एक नेगेटिव वाला आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ करनी है। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाला आया है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक डायोड कनेक्ट करना है, ठीक है। डायोड का जो ये ग्रे वाला हिस्सा है, ये मॉड्यूल की तरफ होना चाहिए, इसकी तरफ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी से कनेक्टेड आपको यहाँ पर एक रेजिस्टर भी लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टर है। अब ये रेजिस्टर कौन सा है और ये डायोड कौन सा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा डायोड और ये यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लेग पे यहाँ पे आपको एलईडी कनेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पर ना एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी कनेक्ट करना है। तो अब एलईडी जो है, एलईडी का पॉजिटिव एंड जो है वो यहाँ पे लगेगा, नेगेटिव एंड जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये हो गया हमारा कनेक्ट नेगेटिव एंड, और यहाँ से जो नेगेटिव आ रहा है वो भी कनेक्ट होगा यहाँ पर। अब ये जो डायोड से पॉजिटिव वाला आया है, इसको हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद ये हो गया हमारा 5 वोल्ट डीसी का कनेक्शन जो हम इस मॉड्यूल को देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने मॉड्यूल को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे ना बहुत सारे आईसीज वगैरह होती है जो बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब अगर मैं बैटरी की बात करूँ, ये हमारी बैटरी होती है, ठीक है। नीचे का जो एंड होता है ये वाला एंड, ठीक है, ये माइनस होता है और ये जो पॉजिटिव होता है वो ऊपर वाला होता है, ये वाला एंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कनेक्शन है, यहाँ से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है नेगेटिव में और यहाँ से आपको यहाँ पे पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है। तो ये प्रॉपर डायग्राम है या फिर ये प्रॉपर प्रोसेस है इसे बनाने का, ठीक है। आप चाहो तो उसका एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से ना आपको ये कनेक्शंस करने हैं। अब सबसे पहले ना मैं आपको इस बैटरी के वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो 12 अपना 5 वोल्ट का जो होता है उसके ऊपर मैंने सेट कर दिया मल्टीमीटर को, और ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो आप देख सकते हो 1.50 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। ये जो यहाँ पर मेरा है ना, ये काम नहीं कर रहा है, पर ये 1.50 का यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मतलब ये जो बैटरी है इसके अंदर 1.50 वोल्ट है। एक्चुअल में ये बैटरी 3.7 की है, तो अभी मैं ना इसको लगाता हूँ इसके अंदर, ठीक है।
और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे इस चार्जर से, यूएसबी चार्जर है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको आप ही के सामने 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। 10 मिनट के नहीं, मतलब 10 मिनट तो मैं नहीं रख सकता क्योंकि वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रखता हूँ और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और 5 मिनट के बाद ना इस पर देखते हैं कि कितना वोल्टेज बढ़ा है। और राइट, तो अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, इसे भी निकाल देते हैं, इस बैटरी को निकालते हैं। और अब ना इसके मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 319 हो चुका है। लेट मी जस्ट शो यू अगेन, ये देखिए 319 हो चुका है। अगर मैं निकालता हूँ और वापस से लगाता हूँ, ये देखिए 319 तक ये पहुँच चुका है, मतलब कि जो ये बैटरी है वो अच्छे से चार्ज हो रही है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसकी हेल्प से ना, इस मॉड्यूल की हेल्प से आप इस तरीके की बैटरीज़ को जंप स्टार्ट भी कर सकते हो। तो गाइस ये है सिंपल तरीका इसे चार्ज करने का, और इससे ना आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। यूट्यूब पे आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे इस बैटरी को लेकर, तो उन्हें चार्ज करने का एक दिक्कत आती है जो इस वीडियो में मैंने सॉल्व कर दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और चलिए सब्सक्राइब कीजिए। होप इस मैंने टेक केयर, बाय बाय।